पीएम मोदी बोले, स्टार्टअप के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है सरकार, तकनीक बनाती है देश को आत्मनिर्भर। यूक्रेन से भारतीयों की हुई वतन वापसी, स्मृति ईरानी ने चार भाषाओं में किया स्वागत। रोमानिया में अधिकारियों से मिले ज्योतिरादित्य सिंधिया, वतन वापसी का इंतजार कर रहे छात्रों से भी की बात। जून में आयरलैंड दौरे पर जाएगी टीम इंडिया, चार साल बाद T20 में आमने सामने होंगी दोनों टीमें। देश में आज कोरोना के मामले में बढ़ोतरी, पिछले 24 घंटे में 7,554 केस दर्ज, 223 की मौत। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आए रुक करते उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों का। खबर सोनभद्र से है, जहां पर राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रही हैं। इसी के तहत कांग्रेस पार्टी की ओर से चारों विधानसभा सीटों पर नगर में बाइक रैली निकाल कर चुनाव प्रचार किया गया। कांग्रेस प्रत्याशी बिंदेश्वरी सिंह राठौर के पक्ष में प्रचार किया गया, जबकि विधानसभा रॉबर्ट्सगंज नगर में बाइक रैली निकाल कर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रचार किया। इस तरह आज महाशिवरात्रि के अवसर पर कांग्रेस जन भगवान भोलेनाथ के शरण में हम लोग अपने ओझा जी को यहाँ से जिताने के लिए प्रार्थना करते आए हैं। इस पर प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। यहाँ के किसान ठगे गए हैं, यहाँ के महिलाएं ठगे गई, यहाँ के बेरोजगार युवा साथी ठगे गए हैं, यहाँ के गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा, अधिकार नहीं मिल रहा। जो भी काम हुई है यहाँ का शहर की काम हो, चाहे उद्योग की काम हो, कांग्रेस के समय में जो काम हुई है, इस बार यहाँ से चारों सीट सोनभद्र की चारों सीट रावटगंज से कमलेश ओझा जी को जिताने के लिए हम सब पूरे कांग्रेस जन इकट्ठे। खबर मिर्जापुर से है, जहां समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव और स्टार प्रचारक नरेंद्र सिंह ने मां विंध्यवासिनी का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद प्रेस वार्ता में पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी को वोट करने की अपील की। प्रेस वार्ता का उद्देश्य केवल यह है, ये जो चुनाव चल रहा है, इस चुनाव में जनता परिवर्तन चाहती है और जनता भारतीय जनता पार्टी की कुशासन और जन विरोधी नीतियों से ऊब करके और इतने उत्साह और उतावलेपन में है कि कब उनका तारीख मिले मतदान करने का और ईवीएम मशीन पर जाकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करके और इस कुशासन को गद्दी से उतारें। हम सभी कार्यकर्ता केवल जनता के बीच में जाकर के यह बताने का काम कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि अब की बार अगर आप चूक जाएंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब दोबारा अगर सत्ता में आएगी तो न तो समाज रहेगा न संविधान रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को हटाने का मतलब है कि संविधान और समाज को बचाना। जौनपुर में सदर विधानसभा प्रत्याशी नदीम जावेद का प्रचार प्रसार करने पहुंचे राजस्थान के युवा नेता सचिन पायलट ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा सपा पर जमकर हमला बोला। सचिन पायलट ने कहा है कि योगी के सामना करने के लिए सपा बसपा सारी पार्टियां बिल में घुस गई हैं। सचिन पायलट ने कांग्रेस प्रत्याशी नदीम जावेद के पक्ष में सभाएं की। उन्होंने बताया कि जनता परिवर्तन चाहती है और 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। आचार्य प्रमोद जी और मैं, नदीम जावेद जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, सिर्फ इसलिए नहीं आए हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, लेकिन नदीम जावेद जी ने पिछले 25 सालों में कांग्रेस पार्टी को, NSUI को, यूथ कांग्रेस को बहुत ताकत देने का काम किया है। और ये यहाँ से जब विधायक बनकर गए थे तो हम सबको बड़ा फ़ख्र हुआ और मुझे खुशी का एहसास हुआ कि जौनपुर के लोगों ने एक अच्छा निर्णय किया है। जैसा उन्होंने बताया, पिछले चुनाव में इतनी सारी वोट लेने के बावजूद भी हम कामयाब नहीं हो सके थे, लेकिन आज जो माहौल देखा है, जो कार्यकर्ताओं से संपर्क हुआ है, जो नेताओं से बात की है, इस पूरे इलाके के अंदर लोग इस बात को समझ गए हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने कार्यकाल में सबको साथ लेकर चल सकता है,
जो मज़हब के नाम पर लोगों को बंटने से रोक सकता है, जो अपनी बात पर कभी फिसलता नहीं है, जिसके दामन पर कोई दाग नहीं लगा है, वो हमारा छोटा भाई है, हमारे साथी हैं नदीम जावेद। खबर रायबरेली से है, जहां पर भारत सरकार के तरफ से चलाए जा रहे ऑपरेशन गंगा के तहत सकुशल घर वापस आने वाली अमरेशपुर कॉलोनी की रहने वाली एमबीबीएस की छात्रा निहारिका पटेल ने टीवी संवाददाता से बातचीत की। शंकर शुक्ला एक्सक्लूसिव हमारे संवाददाता, उन्होंने बातचीत की। बातचीत में उन्होंने बताया कि वहाँ के क्या हालात है और किस तरह से रायबरेली में अपने घर वापस आ पाए। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में फंसे हुए हजारों भारतीय छात्रों के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा का मिशन चलाया है। इसी ऑपरेशन गंगा के मिशन के तहत जो है कुछ भारतीय छात्र वापस आए हैं। इसी क्रम में रायबरेली की एक लड़की निहारिका पटेल, जो यूक्रेन के टर्नोफिल शहर में MBBS की पढ़ाई कर रही थी, वो आज सुबह ही रायबरेली अपने घर पहुँची है। हमारे साथ इस समय निहारिका पटेल जी हैं, जो MBBS की पढ़ाई कर रही हैं वहाँ पर। उनसे जानते हैं कि उनकी आप बीती, उनकी जुबानी कि आखिर क्या बीती और क्या हालात हैं वहाँ के। बेटा, क्या हालात हैं वहाँ के और क्या क्या बीती है आप पर? अंकल, अगर मीन्स यूक्रेन की बात की जाए तो वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। मीन्स स्पेशली ईस्टर्न पार्ट तो बहुत ज़्यादा खारकीव की वगैरह हो गया। मतलब मुझे तो अब थोड़ा सा बोलने में भी वो लग रहा है, क्योंकि डर सा लगता था कि जब हम बंकर्स में जाते थे और वो सायरन बजता था तो डर सा लगता था कि यार क्या हो रहा है, कैसे क्या करेंगे। ना खाने को कुछ समझ में आता था, ना बनाने का कुछ मन करता था कि क्या बनाएं कैसे करें। तो कैसे आपको ये मालूम हुआ, युद्ध जो चल रहा है ये कैसे मालूम हुआ गवर्नमेंट से या टीवी के माध्यम से या कॉलेज के एडवाइजरी, कैसे मालूम हुआ कि युद्ध डिक्लेयर हो गया और आप लोगों को अब छोड़ना है? अंकल, पहले तो हमें पता ही नहीं चला था कि ऐसा कुछ सिचुएशन वहाँ पे हो रहा है, क्योंकि हमें भी अपने पेरेंट्स से पता चला कि बेटा आप लोग न्यूज़ नहीं देख रहे हो क्या, आप लोग को पता होना चाहिए ये चीज़ कि वहाँ पे चल क्या रहा है। तो हम लोग भी अपने पेरेंट्स से बोलते थे कि नहीं पापा, नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ सही है, सिचुएशन सब कुछ ठीक है। फिर उसके बाद बट जब वहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, स्पेशली जब कीव तक का हमने सुना कि कीव में भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया, मिसाइल्स वगैरह गिरी, एयरपोर्ट वो हो गया, फिर वहाँ जो बच्चे निकले थे ट्रेन से निकले थे, कुछ कीव पहुँच गए थे, उनकी फ़्लाइट थी कैंसिल हो गई, वहाँ बच्चे रुक गए, कीव में फंस गए, तो फिर लगा कि नहीं हमें भी निकलना चाहिए अब यहाँ से। फिर उसके बाद हम अपना खुद का मतलब कॉलेज वाले कुछ बसेस प्रोवाइड कर रहे थे, कॉलेज वाले क्योंकि पहले बोल नहीं रहे थे क्योंकि जाने का कि आप लोग क्लासेस करो, यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, बट फिर उन्होंने भी बोल दिया कि नहीं आप लोग जाओ यहाँ से, क्योंकि यहाँ का सिचुएशन काफ़ी ख़राब होता जा रहा है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात है कि आप जो है वो जहाँ पर आप लोग रुकी थी वहाँ से किस बॉर्डर पर पहुँची और कैसे पहुँची हैं? हम टर्नोबिल से हम रोमानिया बॉर्डर पे पहुँचे थे, तो वहाँ से हमने मतलब बसेस वगैरह की, फिर उसके बाद जो कॉलेज ने प्रोवाइड करवाई हमारे जो मतलब जब हम कॉलेज से प्रोवाइड करवाई गए तो हम लोग बसेस से रोमानिया बॉर्डर पे गए, तो बसेस थोड़ा पहले ही हमें उतार दी क्योंकि वहाँ पे रश काफ़ी ज़्यादा था, तो हमें एटलीस्ट 15 किलोमीटर्स के आसपास हमें पैदल जाना पड़ा पूरा बॉर्डर तक। एजुकेशन सिस्टम भी थोड़ा अच्छा करें वो, तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, एटलीस्ट मैं तो यही समझती हूँ। अच्छा, कॉलेज से रोमानिया बॉर्डर, रोमानिया बॉर्डर से दिल्ली, दिल्ली से रायबरेली, तो ये किसको श्रेय देना चाहते कि आप यहाँ तक सकुशल सुरक्षित पहुँची हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? एक तो मेरा लक है, दूसरा गवर्नमेंट स्पेशली कि हाँ उनकी उस हेल्प से मैं यहाँ तक घर तक स्पेशली पहुँच गई, और बॉर्डर से तो फिर मेरा लक ही था कि मैं बॉर्डर क्रॉस कर पाई थी वहाँ पे। तो ये थी हमारे साथ निहारिका पटेल जी, जो जिन्होंने आज सुबह ही 5:30 और 6 बजे के बीच अपने घर रायबरेली आई हैं। इन्होंने कहीं ना कहीं जो है रोमानिया पहुंचने में जो 15 से 20 किलोमीटर का सफ़र इन्होंने पैदल तय किया है, वहां पर इन्होंने अपने लोग को कहा है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा जो फ्री ऑफ कॉस्ट रोमानिया से दिल्ली और दिल्ली से प्राइवेट गाड़ी से जो है इनके घर तक पहुँचाया गया, तो उनको भी धन्यवाद किया। हालाँकि इन्होंने एक सबसे बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उनकी बढ़ ज़्यादा फीस के कारण जो है वो बच्चे जो है वो विदेशों में पढ़ाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस बारे में भी सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए कि अगर बच्चों की फ़ीस कम हो तो अपने देश में ही वो पढ़ाई करें, ना कि विदेश में। कैमरामैन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, प्राइम TV रायबरेली।
रूस और यूक्रेन में बीते 7 दिनों से युद्ध चल रहा है। 24 फरवरी को शुरू हुए इस जंग का आज 7वां दिन है। इन 7 दिनों में यूक्रेन पर रूस ने रुक रुक कर कई मिसाइलें छोड़ दी हैं। इन हमले से यूक्रेन लगभग तबाह हो चुका है, लेकिन फिर भी ना तो रूस और ना ही यूक्रेन झुकने को तैयार है। हालांकि कल बेलारूस में दोनों देशों की बातचीत हुई, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाया। इसी रूसी सेना फिलहाल यूक्रेन के कई जगहों पर धमाके कर चुकी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला होते ही देश के कई शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। शहरों में सायरन बजने लगे हैं। वहां रहने वाली जनता खुद को और परिवार को बचाने के लिए बंकरों में छुपने को मजबूर हो गई है। कई लोगों ने धमाके से खुद को बचाने के लिए रेलवे स्टेशन का शरण लिया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पर है। 6ठे और 7वें चरण का मतदान बाकी है। 3 और 7 मार्च को प्रदेश की जनता वोट डालेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 5 चरणों के चुनाव के बाद रुझान को देखते हुए देश और दुनिया का हर राजनीतिक विश्लेषक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है। 6ठे चरण में ऐसा छक्का लगना चाहिए कि बुलडोजर चलाने के लिए फिर एक दमदार सरकार बन सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को बलिया के रसड़ा और संत कबीर नगर के खलीलाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा जनता की आंख में धूल झोंक कर राजनीति नहीं करती है, बल्कि पार्टी का चाल चरित्र ऐसा है कि हम जनता की आंखों में आंख डालकर देश और प्रदेश को विकास की बुलंदी पर पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आंख में धूल झोंकने वाली सपा बसपा व कांग्रेस के झांसे में यूपी की जनता नहीं आने वाली है और करारा जवाब देने को तैयार है। एक बार फिर भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। कुशीनगर के लक्ष्मीगंज में आयोजित चुनावी जनसभा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार ने देश के माथे से धारा 370 का कलंक धोकर एक देश और एक संविधान की अवधारणा को मजबूत किया है। 3 तलाक जैसे सामाजिक कुरीति के विरुद्ध कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को राहत दी और औरतों और डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक विकास किया है। अयोध्या छावनी के पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंस आचार्य ने कुंतेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया। उन्होंने यूक्रेन व रूस के मध्य हो रहे युद्ध विराम की कामना की। साथ ही सपा अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी पूर्व सांसद डिंपल यादव ने उस बयान पर नाराजगी जताई जिसमें उन्होंने भगवा रंग को जंक की संज्ञान दी है। आचार्य ने कहा कि डिंपल ने भगवा का अपमान कर हिंदू समाज और हनुमान का अपमान किया है। जिस तरह शूर्प रखा राक्षस कुल के विनाश का कारण बनी थी, उसी तरह डिंपल सपा के विनाश का कारण बनेगी। खबर अलीगढ़ से है, जहां के थाना टप्पल इलाके में डाकघर वाली गली में रहने वाली युवती को दबंग द्वारा अगवा करने का प्रयास किया गया और जब पीड़िता के द्वारा शोर मचाया गया तो मौके पर स्थानीय ग्रामीण आ गए और आरोपी युवक कार से फरार हो गया। तत्काल इस मामले की पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन पुलिस ने अभी तक दबंग शोहदे को के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और पीड़िता व उसके परिजन लगातार अधिकारियों के पास न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा। क्या हुआ था सर? वो मेरे से बोला घर, वो मेरी जॉब लगवा रहा था मेरी दीदी की, तो बोला कि चल डॉक्यूमेंट लेके आ ले। मैं भैया मैं अभी नहीं जा सकती, मेरी मम्मी पापा नहीं है यहाँ पर। बोले कि तू चल ना, मैं बात बोल दूंगा मम्मी पापा से। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं नहीं जा रही, यहाँ पर कोई नहीं है, मम्मी पापा यहाँ पर कोई नहीं है, मैं नहीं जा रही। तो चल तो सही, ज़बरदस्ती बैठा के ले गया सर। तो डॉक्यूमेंट ले जाने के लिए सर उसने हमारी मम्मी पापा से 7 लाख रुपये भी लिए थे जॉब लगवाने के लिए। तो सर यहाँ से मेरे को ले गया, फिर उसके बाद में पलवल के पास में पता नहीं कौन सा गाँव है, वहाँ पर मुंगोली बहन के यहाँ पर ले गया। उसके बाद में सर मम्मी पापा ने रिपोर्ट लिखाई तो शाम को मेरे को बुला लिया रात को। उसके बाद में काफ़ी टाइम तक मेरे को यहाँ पे रखा और 5-6 दिन तक फिर उसको छोड़ दिया रात को। कहाँ पर रखा था आपको? नहीं थाने में। आपने क्या क्या था इसमें? तहरीर दी थी इसमें आपने? थाने में प्रार्थना पत्र दिया था ना? हाँ दिया था। उसके आधार पर फिर उसको पकड़ लिया था? उसको पकड़ लिया, रात को ही छोड़ दिया उसको। फिर और आपको? आपको मेरे को 5-6 दिन रखा यहाँ पे। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं
प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।